अभी आपको 31 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, यानी कि बोले तो असेसमेंट ईयर 2020-21 का। अब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करते हो तो बहुत सारे इनकम ऐसे हैं जिसे आप दिखाना, शो करना आईटीआर में मैंडेटरी नहीं समझते हो, जिससे कि आपको दिक्कतें हो सकती है। तो जब आप आईटीआर अपना फाइल करते हो ना, तो उन सारे इनकम्स को भी दिखाओ, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपके सामने सारी अपडेट्स लेके आते रहें। सबसे पहले इनकम की चर्चा अगर हम करें तो इंटरेस्ट इनकम है। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम की बात अगर हम आपसे करते हैं, तो सपोज करो कि आपने बैंक में, चाहे सेविंग अकाउंट है आपका या एफडी फिक्स डिपॉजिट आपने कर रखा है, वहां पे अगर साल भर में 10,000 रुपया से ज्यादा आपका इंटरेस्ट इनकम आता है एफडी पे या आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसे जमे हैं उस पे अगर आपका इंटरेस्ट आता है, तो उसको आप मैंडेटरी नहीं समझते हो। कई लोग क्या करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करते हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां फी लग जाती है। तो उस केस में आप उस इनकम को नहीं दिखाते हो, जबकि आपको ध्यान रखना है सेक्शन 80 TTA में आपको 10,000 तक का छूट मिल जाएगा। 10,000 से जो ज्यादा हो इनकम आपका इंटरेस्ट में, तो उस केस में आपको टैक्स लगता है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप देखो, आप क्या करोगे, अगर आपका एफडी है और वो रिन्यूअल हो जाता है ऑटोमेटिकली 1 ईयर्स 2 ईयर्स 3 ईयर्स में, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको इनकम शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपके बैंक के अकाउंट में अलग से क्रेडिट नहीं होता है, ऑटोमेटिक एक न्यू एफडी जनरेट हो जाता है, तो वो आप दिखाओ जरूर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैपिटल गेन्स ऑन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हो, जैसे SIP है या SWP है या STP है, तो उस केस में सपोज जैसे कि STP है, STP में क्या होता है कि अगर आप एक स्कीम से दूसरे स्कीम में अपने फंड को ट्रांसफर करते हो, तो वहां पे वो ना आपके बैंक अकाउंट में हिट नहीं करता है ट्रांजेक्शन, उसमें अमाउंट नहीं हिट करता है, और बाय मिस्टेक यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं है, बट आप क्या करते हो कि आपके अकाउंट में हिट नहीं किया अमाउंट, तो उस अमाउंट को आप आईटीआर में शो नहीं करते हैं, जिसके कारण आप उस पर टैक्स नहीं देते हैं। तो जब भी आप आईटीआर फाइल करो, तो अपना जितना म्यूचुअल फंड का है, SIP वगैरह, उस सब का स्टेटमेंट लेके देखो। तीसरा इनकम, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अब इस इनकम के बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं, और बिना कोई इंटेंशन का, अनइंटेंशनली आप यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हो और टैक्स की चोरी हो जाती है यहाँ पे। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, सपोज अगर आपके बच्चे हैं घर में, बच्चे का बॉर्न हुआ, बर्थडे हुआ, इन सब चीजों में उसे गिफ्ट मिलता है, कैश का मिलता है, अगर आपके पास वो बच्चा 1500 से ऊपर इनकम हो रहा है, उस बच्चे को गिफ्ट के रूप में आ रहा है, तो उस रुपये को जो भी पेरेंट्स हैं, और उस पेरेंट्स में, मदर और फादर में जिनकी इनकम हायर है, उनके इनकम में ये अमाउंट जुड़ जाएगा, और वहां पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि क्लबिंग करना होता है, क्लबिंग पे मेरा एक अलग वीडियो स्पेशल बना हुआ है यूट्यूब पे, उसे आप देख लीजिएगा। तो उसमें इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड जरूर दिखाइए। ये लोग, बहुत लोग हैं जो जान नहीं पाते, इसलिए गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका इंटेंशन है टैक्स को चोरी करना या टैक्स को बचाना गवर्नमेंट से, बट यहाँ पे जानकारी नहीं होने के कारण होता है। तो आईटीआर एक्सपर्ट से फाइल करवाइए, और वहां पे इन चीजों को मत छिपाइए, छोटी मोटी रकम होती है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इनकम, नोशनल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। अभी क्या है, किसी भी पर्सन के लिए, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड एक इंडिविजुअल के लिए, टू सेल्फ हाउस जो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अलाउड किया हुआ है। लेकिन अब आप क्या करते हो कि किसी हाउस पे आपने क्या कर रखा है, खुद या बिजनेस कर रहे हो, या खुद आपने अपने रिलेटिव से बिजनेस करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, रखवा रहे हो,
उस केस में ना आप उसका शो ऑफ नहीं कर पाते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है, आप उसको शो करिए। शो करने से आपके पास जो भी, चाहे आप फ्री में ही दे रखे हो किसी को, ये ध्यान रखना है आपको, तो आप वहां पे जो वहां का मार्केट वैल्यू होगा, वो रेंट जो मार्केट वैल्यू रेंट का है, वो रेंट अप्लीकेबल होगा। और उससे आप एक तो 30% डिडक्शन आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्लस लोन में जो इंटरेस्ट वगैरह का बेनिफिट है ये भी आप ले सकते हो। तो ये चार इनकम ऐसे हैं जो लोग शो नहीं कर पाते हैं। तो आप जब भी आईटीआर फाइल करो तो इन इनकम पे भी ध्यान दो। मेन रूप से ये इनकम, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, लोग अननोन होके, यानी कि अनइंटेंशनली, इंटेंशन नहीं है, वो जानते नहीं है, इस कारण गलती कर जाते हैं, यहां पे भी सेम वही चीज है। और कैपिटल गेन ऑन म्यूचुअल फंड्स में भी वही मिस्टेक होती है, जो कि जानते हुए ऐसा नहीं है कि वो लोग जमा नहीं करते हैं। और एफडी का जो रिन्यूअल होता है, इंटरेस्ट इनकम इस पॉइंट पे, वो एफडी के रिन्यूअल वाले पोर्शन में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो अलग से नहीं आता है आपके बैंक अकाउंट में। वो एक क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के एक फिर से एफडी तैयार हो जाता है, नया एफडी, और आपको पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों अभी 31 दिसंबर 2020 तक जल्दी से आईटीआर फाइल करिए और इस 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।